धनी मैं श्याम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, धनी मैं श्याम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, धनी मैं श्याम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, धनी मैं श्याम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, कोशिश कर लेने मेरे घर वाले, लख रोकण की कोशिश
आशीष कर लेने मेरे घर वाले। प्रीता कैद न हो या चाहे लख लगा लो ताले। प्रीता कैद न हो या चाहे लख लगा लो ताले। ताले तोड़ के आना ने चाहे लोग बोलियां बोले। ताले तोड़ के आना ने चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना ऐसा इस महात्मा का भाव है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। यद्यपि श्री सुखदेव जी महाराज ये चरित्र एक गोपी के लिए कह रहे हैं और उस विरह की अग्नि की ज्वाला में उनका यह पार्थिव देह समाप्त प्राय हो गया, मृत हो गया और उन्होंने दिव्य देह धारण किया। भगवान से मिलने वो ये पांच भौतिक सामान्य पार्थिव देह से नहीं गई, क्योंकि दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रताप धुता सुबह। भगवान के अत्यंतिक विरह की ताप ऐसा हुआ, दुख ऐसा हुआ, कष्ट ऐसा हुआ, इन गोपियों के जन्म जन्मांतर के पाप जल करके नष्ट हो गए। और फिर जब दिव्य इनको शरीर प्राप्त हो गया तब भगवान के मिलने की इतनी पुतकंठा हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतना आनंद हुआ, ऐसा आनंद हुआ कि इन गोपियों के सारे पुण्य भी जल करके नष्ट हो गए। तब तक भगवान तक पहुंचना मुश्किल है। पाप भी जब तक रहेगा तब तक भगवान तक पहुंचना मुश्किल है। होगा इस प्रसन्नता से पुण्य राशि जलकर नष्ट हो गई और ये भगवान की प्राप्ति की अधिकारिणी हो गई। और जब भगवान के पास गई तो भगवान ने स्वागत किया और पूछा कि हे गोपियों तुम क्यों आई हो। अब ये गोपियां सोचने लगी कि ये बड़े गजब की बात है, पहले बांसुरी बजाई, एक एक का नाम लिया, हमको बांसुरी बजा के बुलाया और अब हम जब आ गई तो तब पूछते हो क्यों आए हो। अरे भाई हमको कोई बुलाए अपने घर में और तो हमसे पूछे कि आप क्यों आए हो, क्या उत्तर दो। तो भगवान बोलते जा रहे हैं और ये गोपियां सुनती जा रही हैं, उत्तर नहीं दे रही कि मातरम पितरा पुत्रा पश्यन्तो मां कृडवं बंधु साधु सं। अरे तुम्हारे माता पिता भाई बंधु पति सास ससुर ये सब ढूंढ रहे होंगे, बेचारे परेशान होंगे हमारे घर की बहू कहां चली गई और तुम आधी रात को यहां चली आई वन में।
गोपियों तुम वापस चले जाओ। देखो सामान्य नारी को भी पातिव्रत धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने पति का त्याग करके नहीं आना चाहिए। अब तो गोपियों को लगा कि इनको लगता है कि हम पतिव्रता नहीं। जब नारी के विशेष धर्म प्रधान धर्म पातिव्रत पर चोट की तो ये गोपियों को बोलना पड़ा, भगवान आपको क्या लगता है हम पतिव्रता नहीं। गोपियों के पतिव्रता की महिमा को क्या कहना। अरुंधति महान सती, अरुंधति महान सती अनुसुया, ये सब पतिव्रताएं गोपियों के चरण धूलि को मस्तक पर धारण करती हैं और कहती हैं कि हमारा पातिव्रत धर्म तो केवल संसार के पतियों तक रहा, हे गोपियों तुम्हारा पातिव्रत धर्म तो परम पति परमात्मा श्री कृष्ण के पास चला गया। आप ये बताओ, भगवान को एक कथा सुनाई उन्होंने। गोपियों ने कहा एक बात बताओ, एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है और पूजा करती है, नित्य उनकी चरण वंदना करती है, उनके चरण धोती है और चरणामृत लेती है, उनको तिलक चंदन करती है, उनको पुष्प अर्पित करती है, तब भोजन करती है और उसका नियम है रोज का। और एक बार जो है पति देवता को बाहर कमाने के लिए कहीं जाना पड़ा तो इस पत्नी ने कहा कि भगवान आप चले जाओगे फिर हमारा नियम कैसे पूरा होगा, हम तो पतिव्रता हैं, हमारा नियम है आपकी चरण वंदना करना, आपको तिलक करना, आपका पूजन करना, तब प्रसाद ग्रहण करना। तो पतिदेव ने अपना चित्र उसको दे दिया कि लो अपने हमारे चित्र से ही आप अपनी जो पूजा पद्धति है उसको पूरा करो, प्यार से बोलो जय श्री राधे। चित्र उसको दे दिया तो अब वो पतिदेवता तो चले गए बाहर कमाने के लिए। अब पत्नी जो है अपना नियम पूरा करती, सवेरे उठती, तिलक चंदन करती, स्नान करवाती, वस्त्र से पोंछती और उनको ही पुष्प अर्पित करती, प्रणाम करती, फिर भोजन करती, आरती करती। क्या समस्या है, प्यार से बोलो जय श्री राधे। एक आध आदमी निपटा के जल्दी कर दो ना, सामने ऐसी समस्याएं खड़ी मत करो, प्यार से बोलो जय श्री राधे। ऐसी समस्याएं कथा के बीच में ना खड़ी किया करो। हमारे किसी भी कृत्य से कथा में व्यवधान नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। कई लोगों का ऐसी आदत होती है बीच बीच में कई बार उठते हैं, कई बार बैठते हैं, कई बार उठते हैं, कई बार बैठते हैं, जाने क्या क्या समस्याएं खड़ी हो जाती हैं लोगों को। अब कई लोगों को होता है कि उठाएंगे मोबाइल इतनी जोर से बात करने लग जाएंगे, वो इतना भी नहीं विचार रहता, अरे भाई दो तीन घंटे की कथा होती है, इतने में भी तुम संसार का व्यवहार एक तरफ नहीं रख सकते, क्या मामला। ठीक है कोई जरूरी फोन आता है चुपके से अपने उठ के निकल जाओ, बात कर लो, या उनको चुपके से कह दो कि बस बाद में बात करना, उनको जोर जोर से पीछे में आधा आधे घंटे तक बोलने लग जाएंगे, ऐसा है। भगवान की कथा में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए, ये महत पाप है। हमको उठने की आवश्यकता है तो ऐसी जगह बैठो जहाँ किसी को परेशानी ना हो हमारे उठने से। और वैसे तो उठना ही क्यों है बार बार, दो तीन घंटे हम भी तो बैठे रहते हैं। हाँ बहुत जरूरी काम कोई पड़ रहा है, किसी को काम करना, किसी को सेवा करनी है, ऐसी जगह बैठो जहाँ पर से व्यवधान ना हो, उठ के चले जाओ फिर अपने आराम से बैठ जाओ, किसी को पता ना चले। आप बहुत सावधानी रखें। तो गोपियां कहती हैं भगवान उसने अपने चित्रपट से सेवा कर दी, जैसे पति की सेवा करती ऐसे चित्रपट की सेवा करती, चित्र की सेवा करती। एक दिन वो असली वाले पति आ गए और उसके हाथ में आरती की थाली, पूजा की थाली,
और जब असली पति है वो बाहर से कुंडा खटखटाए, अरे देवी खोलो, तो बोले अब उसे चित्र वाले पति की पूजा पूरी करनी चाहिए कि जो पति बाहर कुंडे खटखटा रहे हैं पहले उनके लिए कुंडा खोलना चाहिए। तो नहीं तो सामान्य बात है, जब चित्र की आवश्यकता तब तक थी जब तक असली वाले नहीं थे, और जब असली वाले सामने आ गए तो ये फोटो की क्या आवश्यकता है, चित्र की क्या आवश्यकता है। बोले भगवान आपने हमारा उत्तर दे दिया, ये सारा ब्रह्मांड तो आपका प्रतिबिंब है। के यत पत्य पत्य सुहृदा मन वृत्ति रंगम स्त्रीणाम सधर्म इति धर्म विदाम तयोत्तम अस्तेव मेतदुपदेश पदे त्वयि से श्रेष्ठो भवास्तन भृताम किल बंधुरात्मा। ये मेरे हमारे घर के परिवारी जन जितने भी हैं वह सबकी आत्मा में आप ही विराजमान हो। पति कौन होता है? पति कोई शरीर नहीं होता है, पति भी आत्मा होती है, जीव होता है। शरीर को पति माना जाए तो जो शरीर तो सामने पड़ा रहता है, पत्नी कहती ले जाओ इसको जलाओ, अरे इसी शरीर से तो तुम इतना प्रेम करती थी और अब कहती हो इसको ले जाओ जलाओ। तो पति तो सामने पड़ा है, तो अज्ञानता में भी सूक्ष्म ज्ञान हमारे भीतर छुपा होता है। प्यार से बोलो जैसे जैसे मरे हुए व्यक्ति के, अब कोई कहे कि ये शरीर तो पड़ा है, पति तो पड़े हैं, क्यों इसको जला रहे हो? तो कहती है नहीं नहीं ये पति नहीं है, पति तो जो थे वो तो चले गए। समझ में आ गई कि ये पति शरीर तो नहीं है, ना शरीर पति है, ना शरीर पिता है, ना शरीर माता है, सब जीव जीवत्व का संबंध है। पिता शरीर होता तो मरने के बाद पुत्र पिंडदान श्राद्ध आदि तर्पण आदि दशकास्त्र आदि अनेक कृत्य क्यों करता, किसके लिए करता? क्योंकि शरीर तो पिताजी थे तो चले गए। न शरीर पिता है और न शरीर पति है, आत्मा पति है। तो सबकी आत्मा तो आप हो, इसलिए भगवान आप सबके पति हो, भगवान परम पति। संसार के पति की का पालन करना, धर्म का पालन करना संसार की प्रत्येक नारी का परम धर्म है। परंतु नारी नहीं, कोई भी पुरुष कोई भी नारी ये विचार करे कि मेरे परम पति तो भगवान श्री कृष्ण है, तो वो पति व्रता नहीं, वो परम पति व्रता, इसमें कोई दोष नहीं। केवल भगवान ऐसे हैं जिनसे प्रत्येक संबंध जोड़ा जा सकता है। आप अपने पिताजी को भगवान मानते हो पर पिताजी से केवल पिताजी का संबंध रख सकते हैं, पिताजी को उठा करके गोद में नहीं बिठा सकते कि आओ हमारे मन में वात्सल्य जग रहा है। अगर पिताजी को गोद में बिठाने लग गए, प्रेम करने लग गए, पुचकारने लग गए छोटे बच्चे की तरह, तो पिताजी उठा के मार देंगे। लेकिन भगवान को चाहो तो आप गुरुजी बना लो, चाहो तो आप पिताजी बना लो, चाहो तो आप पुत्र बना लो, चाहो तो पति बना लो। 14 भुवन एक पति सोच। गोपियों ने कहा भगवान हमने यही संबंध सर्वोत्तम समझा है, इसलिए यही संबंध आपसे जोड़ा, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन गोपियों की समझ में आया कि आज भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये कोई पहला रास नहीं था, ये महारास है, पर इससे पहले भी भगवान कई बार रास कर चुके हैं। गोपियां आती हैं, रास होता है, प्रत्येक बार रास होता है, हर दिन रास होता है वृंदावन में, आज भी रास होता है। ये प्रेम लक्षणा माधुर्य रस के उपासक नित्य रास में प्रवेश किए रहते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, इस भारतवर्ष के महान संत श्री नरसिंह मेहता को आचार्य भगवान शंकर के परम उपासक थे,
और उन्होंने शंकर भगवान की उपासना की। शंकर जी प्रकट हुए, नरसिंह मेहता से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए थे? तो नरसिंह मेहता ने कहा कि भगवान मुझे वो चीज दो जो आपको सबसे प्रिय है। प्यार से बोलो जय श्री राम। शंकर जी से क्या बोले? बोले वो चीज दो जो सबसे प्रिय है। शंकर जी बोले तुम तो सतयुग त्रेता के जितने मेरे भक्त हैं उनमें से सबसे आगे निकल गए। रावण ने संसार का ऐश्वर्य मांगा, कंस ने संसार का ऐश्वर्य मांगा, जो भगवान बाणासुर ने संसार का ऐश्वर्य मांगा, लेकिन जो तुमने मांगा वो आज तक किसी ने नहीं मांगा। और मेरा सबसे प्रिय क्या है? भगवान के रास का जो रस है वही सबसे प्रिय मुझे। आज हे नरसिंह मेहता, ये तुम्हें प्रदान करना पड़ेगा। और शंकर जी अपने साथ नरसिंह मेहता को लेकर कलयुग की घटना बता रहे हैं। सौराष्ट्र के महान संत हैं, गुजरात के महान संत हैं, उनको उठा करके ले गए, जमुना जी में स्नान कराया, वहां से सखी रूप प्रकट हो गया, नरसिंह जी का भी और शंकर जी का भी। और शंकर जी को भगवान की रास मंडली में, भगवान ने, शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण की रास मंडली में उनको प्रवेश करा दिया। और जब रास में गए तो उनको सेवा मिली, मसाल उठाने की सेवा, अंधेरा में उजाला करने की सेवा, मसाल उठाने की सेवा। और ऐसे नरसिंह मेहता उस सेवा में लीन हुए कि उनके मसाल जलते जलते हाथ जलने लग गया, पता ही नहीं चला कि हाथ जल रहा है कि मसाल जल रहा है। और श्री जी के संग में जब भगवान ने देखा कि ये सखी कौन है जिसके हाथ में मसाल है और जलते जलते मसाल के साथ में हाथ भी जल गया, तब श्री जी ने परिचय कराया कि ये शंकर जी इनको लेकर आए हैं, ये नरसिंह मेहता। भगवान ने अपनी करताल दी, अपना किदारा राग दिया और नरसिंह मेहता को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बना दिया। प्यार से बोलो जय श्री राम। शंकर जी की कृपा से नरसिंह मेहता को रास में प्रवेश मिला। तो रास तो नित्य चलता है और गोपियां कहती है कि जब रोज रास चल रहा है तो आज ही ऐसा क्या हुआ, आज ही ऐसा क्या हुआ कि भगवान ने आज कह दिया कि तुम चली जाओ। प्यार से बोलो जय श्री राम। आज ऐसा क्या हुआ कि भगवान ने कह दिया कि तुम चली जाओ? अब गोपियों की समझ में आया कि हमसे गलती क्या हुई। गलती ये हो गई कि आज से पहले जब ही रास में प्रवेश करने जाती थी तो श्री किशोरी जी को आगे करके ले जाते थे। अरे बैठे रहो माता जी, आप उठते रहोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, एक उठेगा फिर दस उठेंगे, थोड़ी देर मत्था बाद में टेक लेना भाई, हम भी टेकेंगे, हम भी बैठे हैं थोड़ी देर शांति रखो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब इनकी समझ में आया कि आज तक रास की जो आचार्य हैं श्री जी, और श्री जी को आचार्य को आगे करके हम रास में जाते थे, आज हम श्री जी को पीठ दे करके आई हैं, और यही कारण है कि भगवान ने कह दिया कि तुम वापस चले जाओ। तो संतों ने, आचार्यों ने यहां पर अनुसंधान किया है कि उसी समय गोपियों ने भगवान की स्तुति करते करते भगवती श्री राधा रानी की उपासना, उनका स्मरण किया। यद्यपि योग माया उपाश्रिता कहकर के भगवान राधा जी के आश्रय ले चुके हैं पहले, लेकिन अब गोपियों ने भी राधा रानी का आश्रय लिया। और राधा रानी का आश्रय लिया तो श्री जी प्रकट हो गए। श्री जी प्रकट हो गई, इसका क्या प्रमाण है? भोले ते विक्लवितम तासा श्रुत्वा योगेश्वरे
सर्वेश्वरः प्रहस्या सदयं गोपी आत्मा रावो परीरम। आत्मा राम शब्द कहकर के ये सिद्ध हो गया कि श्री राधा जी आ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि राधा जी का परिचय स्कंद पुराण में श्री उद्धव जी महाराज दे रहे हैं। आत्मा तो राधिका तस्य तैव रमणा दसो आत्मा राम इत्येव। भगवान की आत्मा है श्री राधा और भगवान उनके साथ में रमण करते हैं, इसलिए भगवान को आत्मा राम कहा जाता है। और यहां फिर आत्मा राम प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामो परी रमत। भगवान आत्मा राम यानी राधा जी के साथ में प्रकट हो गए, गोपियों के साथ में रास करने लगे और रास करते करते फिर से अपराध हो गया गोपियों से। अब क्या अपराध हुआ? अब अपराध ये हो गया कि तासाम तत सौभगविदं विख्यमानं च केशव। इन गोपियों ने देखा कि जैसा नृत्य भगवान हमारे साथ में कर रहे हैं और जैसा नृत्य जैसा हमारे साथ में नाच रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं, वैसे ही तो राधा रानी को आदर दे रहे हैं, वैसे ही उनके साथ में खेल रहे हैं, तो हमारे में और राधा रानी में कोई ज्यादा अंतर नहीं। क्या समझ लिया? अपने आप में और राधा हमारे में और राधा जी में कोई अंतर नहीं। और ये हो गया आचार्य अपमान। प्यार से बोलो जय श्री राधा, क्योंकि श्री जी तो आचार्य हैं और इन्होंने आचार्य की बराबरी करने का प्रयत्न किया, इसलिए आचार्य अपमान हो गया, आचार्य अपराध हो गया। और भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, संत अपराध सहन नहीं कर सकते। भगवान आचार्य का अपराध, संत का अपराध सहन नहीं कर सकते। प्यार से बोलो जय श्री राधे। सब कुछ भगवान सहन कर, बड़े से बड़ा दोष भगवान अपने अनुगत का शरणागत का भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं, पर किसी बड़े से बड़े भक्त से भी किसी संत का अपराध हो जाए तो भगवान उस अपराध को क्षमा नहीं करते। वृंदावन के श्री हरिराम व्यास जी वे नित्य किसी न किसी संत की का ध्यान करते थे और संत का ध्यान करते 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 फिर प्रिया प्रीतम श्री ठाकुर श्री राधा कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हो जाते। एक दिन उनके मन में आया और कबीरदास जी का ध्यान उन्होंने किया और कबीरदास जी का ध्यान करते करते उनके मन में आया कि कबीरदास जी संत तो थे पर रसिक संत नहीं थे, वह निर्गुणिया संत थे, ऐसा भाव उनके मन में आया। और यही एक संत का अपराध हो गया और आज प्रिया प्रीतम उनके हृदय में प्रकट नहीं हुए। बड़े व्याकुल हुए, बड़े व्यथित हुए कि आज भगवान क्यों नहीं प्रकट हुए। तो हरिराम व्यासी के जो गुरुजी हैं हरिवंश महाप्रभु, वे हरिवंश महाप्रभु की शरण में गए, भगवान आज पता नहीं क्या अपराध हो गया है, आज मेरे हृदय में भगवान प्रकट नहीं हो रहे, वे झांकी प्रकट नहीं हो रही। हरिराम व्यास जी ने कहा और तो सब ठीक है, किसी बात से नाराज नहीं होते, तुमसे जरूर किसी न किसी संत का अपराध हो गया। याद करो, तुमसे किसी भक्त का अपराध हो गया। हरिराम व्यास जी बोले महाराज और तो कुछ नहीं हुआ, पर ऐसा कबीरदास जी के बारे में हमने ऐसा विचार किया। बोले बस यही अपराध हो गया। अब ये अपराध से निवृत्ति कैसे होगी? निवृत्ति तब होगी जब आप पुनः कबीरदास जी की शरण में जाओगे। वे कबीरदास जी जहां पुकारोगे वहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे भक्त नित्य हैं वैसे भगवान के भक्त भी नित्य हैं। और देखो आश्चर्य की बात है, जैसे भगवान का कभी विनाश नहीं होता, भक्त का भी कभी विनाश नहीं होता है, श्री कबीरदास जी को भगवत धाम गए हुए 100 वर्ष बीत गए थे
और 100 वर्ष बाद हरिराम व्यास जी ने जमुना के तट पर कबीरदास जी को पुकारा। अपने पद में श्री हरिराम व्यास जी की वाणी है, जगत में साचो भक्त कबीर, पांच तत्व की देह बनी नहीं, काल न कृस्यो शरीर। जब से राम नाम मति उपजी, तब से बुन्यो नची, जगत में साचो भक्त कबीर। और ऐसा कहना था कबीर दास जी के 100 साल भगवत धाम प्रयाण के बाद कबीर दास जी जमुना के बीच से ही प्रकट हो। हरिराम व्यास जी ने प्रणाम किया, चरणामृत लिया उनका और कहा हमारे अपराध को क्षमा करो। कबीर दास जी बोले देखो व्यास जी, जैसे भक्त नित्य होते हैं, जैसे भगवान नित्य होते हैं, वैसे भगवान के भक्त भी नित्य होते हैं, और जैसे संपूर्ण रस भगवान में विद्यमान होते हैं, वैसे सारे के सारे भक्ति के रस भगवान के भक्त में विद्यमान होते हैं। पर जिस काल में जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता होती है वही हम करते हैं। भगवान ने हमें आज्ञा दी कि ऐसा ऐसा उपदेश करो, तो हमने ऐसा उपदेश किया, तुम अपने मन में इसका संदेह मत लाओ। ये भक्तों का चरित्र, भक्त अपराध की महिमा। ऐसे इन गोपियों से आचार्य अपराध हो गए। आचार्य अपराध हुआ तो उसी समय भगवान प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः। भगवान अंतर ध्यान हो गए, और क्योंकि श्री जी के बारे में ऐसा भाव इनका हुआ कि ये हमारे बराबर हैं, तो अंतर हितये भगवती सहसैव ब्रजामना, उसी ब्रजांगना श्री राधा जी को लेकर के श्री सुखदेव श्री कृष्ण भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण श्री अंतर्धान। अब ये गोपियां छटपटाने लगी, विरह व्याप्त हो गया, लता पताओं से पूछने लगी, रोने लगी, पुकारने लगी, और जब इनसे नहीं हुआ तो फिर लीलानुकरण किया इन्होंने। कोई कृष्ण बन जाती, कोई पूतना बन जाती, कोई गिरिराज बन जाती, कोई गिरिराज धारण कर लेती, तृणावर्त का उद्धार करने लग जाती, ये सब लीलाएं वो करने लगी, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। और इधर भगवती श्री राधा रानी को साथ में लेकर के भगवान आगे बढ़े, और भगवान ने पुष्पों को चुन करके श्री राधा रानी का श्रृंगार किया। जैसे भगवान श्री राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, वैसे प्रभु श्री राम भी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राम। ये ऐसा उत्पट ऐसा विचित्र भाव है भगवान का, माधुर्यमय भाव है कि एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। स्वयं अपने हाथों से पुष्प चुन करके भगवान आभूषण बनाते हैं, राधा जी को धारण करवाते हैं। और श्री जी तो आचार्य हैं, आचार्य हमेशा अपने अनुगतों का विशेष ध्यान रखते हैं। श्री जी ने विचार किया, यद्यपि इन गोपियों से मेरा अपराध हुआ है और उस अपराध के कारण भगवान उनको छोड़ के आ गए हैं, पर मुझे तो भगवान प्राप्त हैं, इन गोपियों को भी भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए। इसलिए आज राधा रानी ने क्या लीला की, भगवान से कहा, बोले भगवान देखो ऐसा है, आपने श्रृंगार कर दिया, थोड़ी देर बैठ गए, आराम कर लिया, आगे यदि चलना है तो हम पे चला नहीं जाता, हमारे पैर बहुत थक गए हैं, आप हमें कंधे पर बिठा कर ले जाइए। प्यार से बोलो जय श्री राम।
अच्छा भगवान यदि राधा जी को कंधे पर बिठाई देते तो कौन आफत आ जाती? जब बैठी पलोतत राधिका पायन, जब बैठ करके कुंजों में राधिका जी के पैरों चरण को पलोट सकते हैं, तो थोड़ी देर कंधे पर बिठा देते तो क्या मुश्किल हो जाता? पर भगवान समझ गए श्री जी का भाव, ये कंधे पर नहीं बैठना चाहते, ये न गोपियों से मेरा मेल कराना चाहते, ये गोपियों को अपनी अनुगताओं को अपनी शिष्याओं को अपने शरणागतों को मेरा मेरी प्राप्ति कराना चाहते। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है आ जाओ बैठ जाओ कंधे पे। और श्री जी बैठने को उद्यत भई, तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, हा नाथ रमणा पृष्ठ काशी काशी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया सखे दर्शय सन्निधि। तुरंत भगवान अंतर्ध्यान हुए, राधा रानी रो पड़ी, बिलख करके पुकारने लगी, हे नाथ हे रमण हे प्रेष्ठ हे सखे हे स्वामी हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूं, आप कहां चले? और उनका रोना चिल्लाना सुनकर गोपियां पास से ही गुजर रही थी, वे सब श्री जी के पास आ गए। श्री जी से पूछा प्यारे श्याम सुंदर कहां गए? बोले पता नहीं, हमको भी मालूम नहीं है, पता नहीं वे कहां चले गए, कैसे मिलेंगे? स्वयं राधा रानी ने भगवान की प्राप्ति का उपाय बताया। बोले वे केवल रोकर पुकारने से मिलते हैं, और जो वस्तु जहां खोती है वहीं प्राप्त होती है। चलो यमुना पुलिन पर भगवान अंतर्ध्यान हुए थे, यमुना पुलिन पर सब चलो। और सारी गोपियां राधा रानी यमुना जी के किनारे पर पुलिन पर आई, तट पर आई और रोकर भगवान को पुकारा, और उनके रोने में भी गाना उत्पन्न हो गया। प्यार से बोलो जय श्री राधे, क्योंकि माताएं जब रोती हैं तो कुछ ना कुछ रोने के साथ गाती भी हैं। आप कोई चला जाए वहां देखना तमाशा, और रोती हैं तो गाती भी हैं। ऐसे ये गोपियां रो रही हैं भगवान के लिए और साथ साथ में गा रही है। और जो गाया, क्योंकि ये सामान्य लोग तो सामान्य तो है नहीं, श्री जी गा रही हैं, गोपियां गा रही हैं, सामान्य मनुष्य का गाना तो है नहीं, इसलिए भगवान के परिकरों का गाना है। और गीत भी गोपी गीत बन गया, सिद्ध हो गया गीत, बड़े भाव से गोपियां गा रहे। गोप्याओ जो जयति ते धिकं जन्मना
स्वयं अपना दुख अपना कष्ट उसका व्याख्यान करती रही। करते करते जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो उनको ख्याल आया कि अरे प्रेम का स्वरूप तो तत् सुखे सुखितम होता है। केवल प्रेमास्पद की प्रसन्नता ही प्रेमी का सच्चा सुख होता है। हम केवल अपने कष्ट की अपने दुख की चर्चा करते तो तब उन्होंने भगवान के दुख की चर्चा शुरू कर दी। भगवान के दुख के बारे में विचार करना, सिल सृणाम पुरे सीदती दिनहा कलि लताम मनहा कांत गच्छति। अरे आप इतने घना घोर जंगल में, इतने घना घोर वन में और इतनी रात के अंधेरे में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, आपके कोमल कोमल चरण कमल हैं, उनमें कितने कांटे चुभ जाएंगे, कितने उनमें पत्थर चुभ जाएंगे, कितने कंकर चुभ जाएंगे। प्यार से बोलो जय श्री राम।
पीड़ा हो रही है प्रभु, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, आप इस रात्रि को ऐसे आघात आपके चरणों को लगे। अरे हम तो आपके चरणों को यते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु, हम तो आपके कोमल कोमल चरणों को अपने हृदय पर भी बड़ी सहजता से धारण करती हैं कि कहीं हमारे कठोर हृदय से आपके चरणों में आघात न हो जाए। पर आप रात्रि को उन चरणों को लेकर के इस वन में चले गए, और ये सोच करके गोपियां जोर से इतनी जोर से रोने लगी कि उनसे बोला ही नहीं गया। रुद्र सरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, क्यों रो रही हैं? बोले कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए रो रहे। और जब ऐसे रोई तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। कैसे भगवान प्रकट हुए? तासार मा फिर विक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। मन्मथ कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि जब रास प्रारंभ हुआ था तो कामदेव प्रकट हो गया, भगवान हमसे युद्ध आपसे युद्ध करना चाहते थे। भगवान ने कहा कैसा युद्ध करोगे, किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे? हमने शंकर जी को परास्त किया, हमने ब्रह्मा जी को परास्त किया, हमने नारद जी को परास्त किया। भगवान ने कहा तो फिर हमसे युद्ध करना है तो किले का करोगे कि मैदान का करोगे? किले का युद्ध क्या है? जब भोजा संसार की कोई भोग सामग्री हमारे पास न हो और हम भोग का त्याग कर दें, वन में बैठ जाएं, एकांत में बैठ जाएं जहां कुछ भी ना हो, ये है किले का युद्ध। और संसार के संपूर्ण सुख संसाधन हमारे सामने खड़े हों और उसके बाद भी हम भोगों को तिलांजलि दे दें, छोड़ दें, ये है मैदान का युद्ध। आपने नारद जी को जीता, वो तो एकांत में बैठे तपस्या कर रहे थे। आपने शंकर जी से युद्ध किया, शंकर जी भी वन में बैठकर सहज विमल मति लाग समाधि वहां बैठे। बोले महाराज किले के युद्ध तो बहुत हो गया, मैदान का युद्ध चाहते हैं। तो बोले ठीक है, करोड़ों करोड़ों गोपियां, विश्व सुंदरी गोपियां मेरे साथ होगी, तुम हमसे युद्ध करना, हमारे मन को थोड़ा भी क्षुभित कर दो तो फिर जान जाना तुम्हारी जीत होगी। और कामदेव जैसे कमर कस करके लड़ने के लिए तैयार हुआ, भगवान ने मंद मुस्करा करके तिरछी चितवन से कामदेव की ओर देखा, कामदेव वहीं मूर्छित हो गए। और जब भगवान ने बांसुरी बजा, अरे बोले तुम तो पहले ही झटके में मूर्छित हो गए, अब आगे क्या लड़ोगे? और गोपियों के साथ में नाचते नाचते भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। उत्तम भयं रतिपतिं रमयां चकार। और जब अंत में भगवान अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां विरह व्याकुल हो गई, तो कामदेव को मौका मिला जो आए थे उसी समय भगवान फिर प्रकट हो गए, साक्षात मन्मथ मन्मथ मथ दिया काम को भगवान। और बेचारा ऐसा परास्त हुआ, बाद में भगवान का बेटा बन करके आए, कामास्तु वासुदेवांसो रुद्रा प्राक रुद्र मन प्राक रुद्र मंदिनः। बाद में भगवान का बेटा बन, पहले एक श्री कृष्ण करोड़ों गोपियां और फिर दो गोपियों के बीच में एक श्री कृष्ण। और जब अवस्था और आगे बढ़ती चली गई तो एक गोपी एक श्री कृष्ण, और अंत में जब चरम अवस्था पर रास की क्रीड़ा पहुंच गई तो तब कौन कृष्ण कौन गोपी, जीव और ब्रह्म का भेद भी समाप्त हो गया। प्यार से बोलो जय श्री राधे। दूर ही सीता को पांडवन सौंसरी है। भगवान की महिमा क्या है? ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, पर बार बार संकेत कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज की वो योगेश्वर हैं, और वो योगेश्वर श्री कृष्ण इन गोपियों के प्रेम में नाच रहा है,
और जो गोपी थक जाती है उसके मुखमंडल पर पसीने आ जाते हैं, तो भगवान अपने पीताम्बर से उसे पोंछ देते। पहले संकेत किया था अंतर ग्रह गता का गोपियो लब्ध विदर्ग महा, ये गोपियां आई नहीं थी, ये तो अपना पार्थिव देह संसारी देह वहीं छोड़कर आई और दिव्य देह धारण करके भगवान के पास आई। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले जब ये आई तो ये लौट कर वापस नहीं गई। प्यार से बोलो जय श्री राम। बोले कैसे नहीं गई, जैसे गंगा जी जब समुद्र में मिल जाती है तो फिर वापस लौट के नहीं आती। इसका और जो घर में गोपी है वो सामान्य है, जैसे सीता जी ने अपनी छाया को छोड़ दिया स्वयं अग्नि में चली गई, ऐसी गोपियों की छाया संसार में रह गई और वास्तविक जो गोपी तत्व था वो तो भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। और गोपियां नहीं गई थी इसका एक प्रमाण अंत में श्री सुखदेव जी दे रहे हैं। ना सोयं खलु कृष्णाया मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारां ब्रजो कशां। प्रत्येक ब्रजवासी गोप ने अपनी घरवाली को, अपनी पत्नी को, अपने घर की स्त्री को अपने पास ही पाया। अरे तो भगवान के पास कौन गई थी? ये भगवान के पास दिव्य देह धारण करके गई थी। ऐसी भगवान की ब्रह्म रात्र उपाव्रता, ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक भगवान ने गोपियों के संग में राज किया, ये भगवान की अलौकिक लीला है, अगम्य लीला है, जिसमें किसी किसी महान भाव का प्रवेश होता है। सामान्य हमारे जैसे विषयी प्रपंची जीवों का वहां प्रवेश नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राम। अनेक लीला भगवान करते हैं, अनेक दुर्दांत दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया है, प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, उनका उद्धार भगवान ने किया। और ये कंस महाराज बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के एक दिन बैठे थे, नारद जी आए, देखा अरे महाराज कंस आप बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे। बोले करें क्या, मैं जो भी राक्षस ब्रजमंडल में भेजता हूं ब्रज के बालकों को समाप्त करने के लिए, एक नंद का छोरा है और वो सभी दैत्यों को मार गिराता है, ऐसा बलवान है, दिव्य है। नारद जी भगवान की लीला को आगे बढ़ाना चाहते थे। नारद जी ने कहा अरे कंस महाराज आप बड़े भोले हो, आपको नहीं मालूम ये श्री कृष्ण जो नंद का बेटा है यही देवकी का आठवां गर्भ है, तुम्हारे साथ छल किया गया है और सब बातें बताई, ऐसे 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 ले गए सब। तो बोले ये तो और समस्या वाली बात है, जो हमारा काल है वो भी जीवित है और वही हमारे सब दैत्यों को मार रहा है, तो ये तो हमारे लिए और खतरा। पर भगवान आप बताइए अब हम उसे कैसे समाप्त करें? बोले करना कुछ नहीं है, आपने जितने राक्षस भेजे वो कोई वापस, कोई वापस नहीं गया, आप उसी श्री कृष्ण को यहां बुला दीजिए, वो भी वापस नहीं जाए, बुलाएं कैसे? बोले तुम्हारे यहां धनुष रखा है और बहुत दिनों से पड़ा बेचारा, पुराना हो गया धनुष, और तुम उसकी उसको कोई जानता नहीं, किसी ने देखा नहीं है, तो उसकी प्रदर्शनी लगा दो, सब उसको देखेंगे और तुम्हारी महिमा होगी, इसी बीच में कृष्ण बलराम को बुला दो, बड़े बड़े मल्ल तुम्हारे पास हैं, तुम ही इतने बलवान हो, मार डालो। कंस ने कहा हाँ ये युक्ति बहुत अच्छी है, या तो मेरे सैनिक मार डालेंगे नहीं तो मैं मार डालूंगा, और सब मिलकर मारेंगे तो बेचारा अकेला क्या कर पाए। ऐसी पट्टी नारद जी पड़ा गए, पर कंस के कहने से कौन भगवान श्री कृष्ण बलराम जैसे बालकों को उसके साथ भेजेगा, इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी जिस व्यक्ति पर सब ही विश्वास करते हैं।
ऐसे व्यक्ति मथुरा में केवल एक ही हैं, उनका नाम है अक्रूर जी। अक्रूर जी इतने बड़े भक्त हैं, अक्रूर जी के संबंध में स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं अंत में, हे नयम मयान तीर्थानि न देवो मृक्षदामय ते पुनम तुरुकालेन दर्शना देव साधव। हे अक्रूर जी, मैं भगवान कहते हैं नयम मयान तीर्थानि, मैं जल में तीर्थों में रहता हूं ये पक्का नहीं, मैं वृक्षलामय एक पत्थर की मूर्तियों में रहता हूं ये पक्का नहीं है, अगर उनसे मैं प्राप्त हो भी जाऊं मिल भी जाऊं तो ते पुनम तुरुकालेन बहुत समय लग जाता, लेकिन जल्दी मुझे पाना हो तो तुम्हारे जैसे भक्त का आश्रय लेना चाहिए। दर्शना देव साधवा, इन महात्माओं का आश्रय लोगे। भैया सच्ची बात तो ये है, विग्रह में भी भगवान तब है जब कोई महात्मा हमें विश्वास दिला दे कि ये भगवान है। गुरु जी कहते कि ये तुम्हारे ठाकुर हैं तो हमारा विश्वास पक्का हो जाता, अपनी मर्जी से भगवान की मूर्ति में भी भगवान नहीं दिखता, उसमें भी मकराने का पत्थर दिखता है, आगरा का पत्थर दिखता है, इटालियन मार्बल दिखता है, सोना दिखता है, चांदी दिखता है, भगवान नहीं दिखते। गुरु की कृपा से, संत की कृपा से दर्शनार्थ देव साधव, तीर्थ में भी तीर्थत्व की प्राप्ति बिना किसी संत के आशीर्वाद के नहीं होती, तीर्थ में भी संत का आशीर्वाद से तीर्थत्व की प्राप्ति होती। हमने अनुभव किया अपने जीवन में, जब संतों का आश्रय नहीं था तो तीर्थ में जाते उसका कोई लाभ नहीं होता था, और जब से संतों का आश्रय मिला, जब तीर्थ में जाते हैं तो उसका अलग लाभ होता है, संतों के साथ में जाकर तीर्थ का अलग लाभ होता है। वास्तविक जो लाभ है वो तो संतों की प्राप्ति, ऐसे संत हैं श्री अक्रूर जी महाराज। और ऐसे अक्रूर जी को भगवान को लेने के लिए श्री भगवान कंस महाराज ने भेजा, और अक्रूर जी रथ में बैठ करके भगवान के दर्शन होंगे इस भाव से मथुरा की ओर चले, यमुना के पुलिन पर आए, यमुना के पुलिन पर ब्रजभूमि को प्रणाम किया और अंदर चले, ब्रज में प्रवेश किया। नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, पूछा क्यों आए हो, तो कहा कि हम आपके बालक श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए। भगवान ने अक्रूर को धीरे से समझाया, चुपके से एकांत में, ये ब्रजवासी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कहीं इनसे मत कह देना कि मैं इनको लेने के लिए आया, या मैं इसलिए लेने आया हूं कि कंस के पास ले जाएंगे, कंस इनको मारेगा, ये तुमको नहीं छोड़ेगा, ये हमारे बिगड़ एक पल नहीं रह सकते। बोले हम आपके बालक श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए। मैया यशोदा ने जब सुना कि मैया हमारो लाला चले जाएगा, तो मैया दौड़कर आई, अक्रूर जी से प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे लाला को नहीं ले जा सकते, क्यों नहीं ले जा सकते? बोले इनके बगैर हम एक पल एक क्षण नहीं रह सकते, दिन में मेरा लाला गाय चराने जाता है तो मैं कितनी आतुरता से उसकी प्रतीक्षा करती हूं ये मैं ही जानती हूं, आप इसे नहीं ले जा सकते। अक्रूर जी ने समझाया, मैया कोई रोज के लिए थोड़े ले जा रहे हैं, दो चार दिन रहेंगे, मेला होगा फिर चले आएंगे। भगवान ने भी समझाया, मैया तो मुझे जाने नहीं देती है, अरे दो चार दिन रहेंगे फिर वापस चले आएंगे, क्यों ऐसा? लेकिन मैया कहां माने, सारी रात मैया यशोदा को नींद नहीं आती, विचार करने लगी प्रातः काल मेरो लाला उनको छोड़ के चला जाए, कभी उसके बगैर एक रात्रि हमने अलग नहीं गुजारी है, एक दिन कैसे व्यतीत होगा? और ये खबर संपूर्ण ब्रजमंडल में पहुंच गई, सारे ब्रजवासी ब्रजांगनाएं सब एकत्र हो गए, भगवान से कितना सब प्रेम करते,
और ये ब्रजांगनाएं विधाता को कोस रही थी कि अहो विधाता तब न क्वचित तया सयो जमैत्र्या प्रणये न देहिन तांसा कृतार्थान वियुनं च पार्थकं विक्रेडितं तेर्भक्ति स्थितं नथा। अरे विधाता तो ऐसे खेल ऐसा प्रवंचन संसार के प्राणियों के पास करता है, संसारी जीवों के साथ करता है। तेर भक चेष्टितम यथा, जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी का घर बनाते, मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, जब तक मन नहीं भरता तब तक खेलते हैं, जब मन भर जाता है तो उसे तोड़ कर फेंक देते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे खेल खेल रहा है, हमारे प्राण धन जीवन धन श्याम सुंदर से हमारा मेल करवाया और अब हमारे श्याम सुंदर हमको छोड़ के चले जाएंगे, उनके बिना हम भला कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कौन आया है उनको लेने के लिए। सखी कहती है उनको लेने के लिए अक्रूर आया। अरे इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया कि क्रूरस्तम अक्रूर समाख्याश्मना चक्षुर हित तम हर से बता क्या ये नेक देशे खिल सर्ग सौष्टुभम तदीय मद्राक्षम वयम मधुत सास। अरे ये अक्रूर नहीं है, ये संसार का सबसे क्रूर व्यक्ति है, क्योंकि ये हमारी आंखें निकाल कर ले जा रहा है। हमारी आंखें तो केवल श्री कृष्ण, कृष्ण और बलराम हमारे दोनों नेत्र हैं, हमारे नेत्रों को ले जाने वाला अक्रूर कैसे हो सकता है, ये संसार का सबसे क्रूर व्यक्ति है। लेकिन भगवान, हम भगवान को जाने नहीं देंगे। क्या करोगी, रथ के सामने खड़ी हो जाएंगी, कहेंगे कि हमारे सामने से हमारे ऊपर से रथ चला कर ले जाओ, हमें समाप्त करके निकल जाओ श्री कृष्ण। और प्रातः काल हुई, अक्रूर जी ने रथ सजाया, ठाकुर जी बलराम जी तैयार हुए और रथ पर विराजमान हुए। दौड़ कर यशोदा आई, यशोदा जाने लाला को गोदी से गोद में लिया, हृदय से लगाया, मस्तक चूमा और कहा कि तू बेटा लाला तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूं। भगवान मैया को कह गए कि मैया सब प्रश्न आगमस्याम, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में अवश्य ही वापस आ जाऊं। आज भी वृंदावन में एक स्थान है सीत परसी, सीत परसों, तो उसका नाम इसलिए सीत परसों पड़ गया है कि वहीं पर भगवान ने कहा था स्व परस्व, यानी स्व माने कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, इसलिए सीत परसों वहां भी अभी भी एक जगह है। भगवान ने कहा कल नहीं परसों आ जाऊंगा, मैया कहां माने, बार 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 श्री कृष्ण को हृदय से लगाने। और जब रथ बड़ा आगे बढ़ाने लगे अक्रूर जी तो गोपियां खड़ी हो गई कि एवं ब्रवाणा बिरहा तुरा प्रसम व्रजस्त्रया कृष्ण विशक्त मानस विसृज्य लज्जारुदुस्मसस्वरम गोविंद दामोदर माधवे। जोर से रोने लगी, लज्जा का त्याग कर दिया, हे गोविंद हे माधव हे दामोदर आप हमें छोड़कर मत जाइए। ठाकुर जी रथ से उतरे, गोपियों के पास आए, कहो क्या बात है, क्या परेशानी है। आप हमें छोड़कर मत जाओ, भगवान ने कहा तुम प्रेम का स्वरूप भूल गई, तुम्हारे नाम से तो प्रेम की ध्वजा कहा जाएगा, गोपी प्रेम की ध्वजा, और तुम केवल और केवल अपने सुख का विचार कर रहे।
तुम ये विचार कर रही हो कि आप चले जाओगे तो हम दुखी हो जाएंगे और हमारे बारे में कुछ नहीं। प्रेम का स्वरूप है तत् सुखी सुखी स्वास्थ्य। तुम इसके अपने स्वरूप को संभालो। अब तो गोपियां सावधान हो गई, आंसू पहुंचने, बोले भगवान वास्तव में हमसे भूल हो गई, हमने अपने सुख का विचार कर दिया। ये प्रेमी का अधिकार नहीं है कि वो अपने सुख का विचार करे, अपनी मर्जी का विचार करे। आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपका उद्भव ये ही हमारा सर्वस्व है। आप मथुरा जाना चाहते हैं, आप जाइए, आपका रास्ता खुला है। आज रहना चाहो तो रहिए, आपकी प्रसन्नता। लेकिन गोपियों को ऐसा विश्वास था कि शायद ठाकुर जी रुके। रथ जब चला तो रथ की ध्वजा और धूल जब तक दिखाई पड़ती रही तब तक ये गोपियां प्रतीक्षा करती रही कि शायद अभी भी ठाकुर जी लौट करके वापस आ जाए। स्ले हरी प्रीत लगा कर चले गए, हरी प्रीत लगा कर चले गए, हरी प्रीत लगा कर चले गए, हरी प्रीत लगा कर चले गए।
गोपियों के तो सामने भगवान रहते हैं, और मिले रहे मानो कबहू मिले ना। भगवान मिले हुए हैं, उनको लगता कि भगवान कभी हमको मिले ही नहीं है, ऐसे ही विरह उत्पन्न हो जाता। उद्धव चरित्र का वर्णन जब नंददास जी महाराज करते हैं अपनी कृति में, तो स्वामी श्री नंददास जी कहते हैं कि जब अत्यंत विरह व्याकुल ये गोपियां हो जाती है, विरह बिल्कुल असहनीय हो जाता है, तो श्री ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाते हैं। उद्धव जी को नहीं दिखते, पर गोपियों को दिख जाते हैं। उनके शरीर में पुनः से, देह में पुनः से जीव का संचार होने, प्राणों का संचार होने लग जाता है। तो ये भगवान की अनुपम लीला है, क्या कहा जाए। लेकिन भगवान मथुरा में आए, नंद बाबा के साथ में समस्त ग्वाल मंडली आई, प्रार्थना की, बाबा हम मथुरा का दर्शन करना चाहते हैं, मथुरा नगरी को देखना चाहते हैं। बाबा बोले चले जाओ, पर ये वृंदावन ना है, ये मथुरा है, शहर है, थोड़ा बच के रहियो, किसी से उल्टा सीधा ना कुछ कह दियो। बोले नहीं नहीं बाबा, हमको संभालो। अब भगवान जब गए तो बड़ा स्वागत हुआ भगवान। महिलाएं माताएं अट्टारिकाओं पर खड़ी होकर के पुष्प वर्षा कर रही हैं, और जितने वणिक हैं, जितने व्यापारी हैं, अपनी अपनी दुकान छोड़ करके हाथ में आरती का थाल लेकर, पूजा का थाल लेकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। अब कोई कंस का जो चाटुकार था वही भगवान के लिए नहीं आया, नहीं तो सब आगे आकर दर्शन कर रहे। अब ग्वाल बाल जो संग में थे उन्होंने विचार किया कि लाला हमने तो सोचे कि हम वहां जाएंगे, हमको कोई देखेगा भी नहीं, यहाँ तो बड़ा स्वागत हो रहा है, ये लाला थाली लेकर आ रहे हैं, माताएं फूल बरसा रही हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। अरे बोले हम अपने मामा के घर आए हैं, कोई ऐसे थोड़े। अरे वो तो ठीक है, पर हम तो ये सोचकर आए थे कि कोई नहीं देखेगा, तो सीधे ही जिसमें गोबर लिप रहे थे, गाय चरा रहे थे, वही वस्त्र पहनकर, कपड़ा पहनकर आए। अब कपड़ा पहनकर आए तो ये लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे, श्री कृष्ण के मित्र कैसे हैं। भैया हमारे लिए तो कोई कपड़ों की बढ़िया व्यवस्था कराओ। बोले कोई नहीं, अभी कराते। तो वहां से रजक नाम का एक धोबी आ रहा है, और उस धोबी भी कंस का धोबी है, बढ़िया बढ़िया कंस महाराज की पोशाक, राजसी पोशाक से अपनी पोटलियों में भर रखी। कन्हैया ने प्रार्थना की, मामा जी हमको कपड़ा दे दो, वस्त्र दे दो। बोले तुम हमारे मामा कहां थे, भांजा कहां थे है, कौन है तू। बोले मैं श्री कृष्ण हूं, कंस का भांजा, और जब कंस हमारे मामा यहाँ के राजा, तो सबरे मामा। ओहो तो तुम ही हो जिनको मारने के लिए बुलाया है। अच्छा, अरे ये काम हम ही क्यों ना कर दें, जंगली कहीं के यहाँ कपड़ा पहनोगे कंस के, हैं गैया चराने वाले, बनमन बिचरने वाले वनवासी। देखो मामा जी, कपड़ा दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। धोबी ने गणित बिठाई कि कल्याण से बड़ा तो शायद परम कल्याण ही होता होगा। तो बोले राजा कंस के कपड़े तुम कैसे पहन सकते। बोले ठीक है, फिर परम कल्याण कर देते हैं। और भगवान ने ऐसे हाथ घुमाया और उस धोबी का परम कल्याण कर दिया। धोबी का सिर जो है धड़ से अलग हो गया एक ही झटका में। अब बाकी जो धोबी थे वो घबरा गए, डर गए, सब भाग गए, पोटलियां छोड़ छोड़ भाग गए। अब इन ब्रजवासियों ने वो सब वस्त्र निकाले पोटलियों से और पहनने लगे। अब पहने तो कहां, तो 6-7-8-8 फुट के लंबे कंस महाराज, और कहां 2-2.5-2.5 फुट के ग्वाल बाल। जब कंस के कपड़े ग्वाल बालों ने पहने तो ऐसे पूरी सड़क साफ होने लगी। अरे लाला कपड़े तो बढ़िया चमकीले भड़कीले दिख रहे हैं, पर सड़क साफ कर रहे हैं। बोले थोड़ा सा ऊपर लटका लो, तो ऐसे कंधे पे लटकाए तो ऐसे हैंगर से टंग गए, ऐसे झूल गए कपड़े। बोले नहीं नहीं इनकी कुछ व्यवस्था कराओ। तो एक दर्जी के पास भगवान गए,
तो दर्जी भगवान का बड़ा भक्त था। उस दर्जी ने सब कपड़ों को काट कर छांट करके भगवान को धारण करवा दिया। आज ठाकुर जी ने भी सुंदर पीताम्बर धारण किया और बलराम जी ने भी सुंदर नीलाम्बर धारण किया। सब ग्वाल बालों ने वस्त्र धारण कर लिए और बढ़िया उन्हें और बढ़िया डिजाइन उसमें और बना दिया। ब्रजवासी बड़े शौकीन होते हैं। ब्रजवासी बोले, लाला कपड़ा तो भैया बढ़िया आ गए पर गले में माला और थोड़ा एक आध पड़ जाती, फूलों की माला तो क्या कहना। तो सुधामनो हो नाम मालिश्या, सुदामना नाम के माली के पास गए। भैया तू माली है तो एक एक माला हमारे मित्रों को धारण करवा दे। उसने भी भगवान का स्वागत किया और भगवान को सुंदर मालाएं धारण करवाई। सब ब्रजवासियों को जितने ग्वाल बाल थे उन सबको माला धारण करवाई। भगवान ने उसे अटल भक्ति का वरदान दिया। ब्रजवासी बोले, देखो कपड़ा हो गए, माला भी हो गए और मस्तक पर थोड़ा सा चंदन और नहीं लगा बढ़िया से। ब्रजवासी ऐसे हमारी तरह चंदन धारण नहीं करते, थोड़ा छोटा सा, और खूब यहां से चंदन धारण करते, पूरा मुंह पोत देते हैं, दाढ़ी दाढ़ी की जगह बचती है बस, और दाढ़ी ना हो तो पूरा ही पोत दे। ऐसा चंदन चाहिए इनको, चंदन कहां से मिलेगा। तो सामने से एक स्त्री आ रही है और तीन जगह से टेढ़ी है, घूंघट काढ़े हुए है, हाथ में चंदन का कटोरा। भगवान ने उससे पूछा, हे सुंदरी तुम कहां से आ गई। क्या कहना भगवान को, कृष्ण अवतार में भगवान ने यदि सुंदरी किसी को कहा है तो तीन जगह से टेढ़ी कुब्जा को कहा, और राम अवतार में भगवान ने सुंदरी किसी को कहा है तो 10,000 वर्ष बूढ़ी सबरी माता को। भगवान की दृष्टि में शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं होती, भगवान की दृष्टि में तो मन की सुंदरता सुंदरता। यहां कुबजा को कह रहे हैं, कातंबरोर बेतदुहान लेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना। हे सुंदरी तुम कौन हो और ये चंदन का कटोरा किसके लिए लेके जा रहे हैं। ये भगवान को चाहती थी, भगवान की भक्ता थी, परंतु यह संसारी भाव से भगवान को चाहती थी, उत्तम भाव से नहीं चाहती। ये संसार संसारिक अपना सुख इसने ग्रहण किया, इसलिए सुखदेव जी ने इसको दुर्भगा कहा। यद्यपि ये सामान्य नहीं है, ये सुवर्ण का जो रावण की बहन है वही अगले जन्म में गर्ग संहिता के अनुसार कुबजा बनकर आएगी, क्योंकि सुवर्ण का भगवान के महान भक्त है, कोई सामान्य नहीं। लेकिन इसने श्री किशोरी जी का अपराध किया, इसलिए भगवान ने सुवर्ण का को स्वीकार नहीं किया। नहीं तो बताओ सुवर्ण का में क्या दोष। भगवान के पास चलो, इसका मन का भाव ठीक नहीं है तो पूतना का भाव कहां ठीक है। उसको तो भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। भगवान तो कहते हैं किसी भी भाव से आए, कामा कोप्या भया तमसा द्वेषा चेत्या दयो निर्वाह। कोई काम से द्वेष से दुर्भाव से किसी भी भाव से सामने आए मैं उसका कल्याण करता हूं, तो सुवर्ण का क्या दोष। सुवर्ण का तो साक्षात भगवान को प्राप्त करने के लिए आई थी, पर सुवर्ण का के दो दोष थे। एक तो इसमें एक अनन्यता नहीं थी। राम जी से कहा विवाह करो, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी के पास चले जाओ तो सीधे चली गई, नहीं जाना चाहिए। कहती कि नहीं, हम तो आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहेंगे, आप स्वीकार करो। भगवान ने कहा ये अभी लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं करेंगे, हम तो दास हैं, दासी बनकर रहना पड़ेगा, फिर राम जी के पास चले आए। ये भाव देख करके भगवान ने सुवर्णिका को स्वीकार किया। और दूसरा अपराध इसने ये किया, इसने भगवती सीता पर आक्रमण किया, उनका अपराध किया।
उनका अपराध हुआ तो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया, पर ये इतनी उच्च कोटि की प्रेमी है, इसने भगवान को स्वीकार करने का भरसक प्रयास किया, अपने भाई रावण को मरवा दिया, कुंभकर्ण को मरवा दिया। अंत में गर्ग संहिता में लिखा है इसने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सुपर्णिका से कहा कि वरदान मांगो, बोले हम भगवान को पति रूप में चाहते हैं। तो देखो पूरी तरह पत्नी का अधिकार तो तुमको नहीं मिलेगा, पर पत्नी जैसा ही अधिकार भगवान तुमको प्रदान करेंगे, इसलिए अगले जन्म में तुमको कुब्जा बन करके उत्पन्न होना पड़ेगा। और क्योंकि तुमने अपराध किया है किशोरी जी का, इसलिए तुम्हें कुरूप बनकर आना पड़ेगा। तुमने अपने रूप का अहंकार भगवान को दिखाया है, कपट वेश धारण करके आई हो, इसलिए तुम्हें कुरूप बनकर जाना पड़ेगा। और जब भगवान आएंगे तो भगवान ही तुम्हारी कुरूपता को नष्ट कर देगा। ये कुबजा महान भक्त है भगवान का। इसने उत्तर दिया, मैं कंस की दासी हूं, त्रिवक्रा मेरा नाम है, ये चंदन मैं रोज कंस को धारण कराती हूं, पर इस आज तक इसका कोई अधिकारी मिला नहीं। ये चंदन के अधिकारी तो भगवान है, सेवा के अधिकारी तो आप हो। और उसने बढ़िया घिसा हुआ केसर अगर तगर युक्त चंदन और बढ़िया सुंदर ठाकुर जी के श्री मस्तक पर खोर धारण करवा दी। सब ब्रजवासियों ने भी पांच पांच के कटोरा खाली कर दिया। और बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, अरे भैया तुम सबने मिलकर इस बेचारी का सब कटोरा तो खाली कर दिया, इसको दिया लिया कुछ ने? बोले ये इस समय अपनी कुरूपता से दुखी है, इसलिए इसे इसको स्वरूप प्रदान करना पड़ेगा, रूप प्रदान करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने उसकी टोड़ी पर हाथ लगाया, एक झटके में भगवान ने उसको सीधा कर दिया, भगवान का स्पर्श हुआ तो परम सुंदरी हो गई। भगवान से बोला आप हमारे घर चलिए, भगवान बोले नहीं अभी अभी नहीं, आपके घर आएंगे, बाद में आए। बाद में भगवान ने इसे कृतार्थ किया, सब जानते कथा। आगे भगवान चले सब ग्वाल वालों को लेकर, और वहां वो धनुष यज्ञ का रखा था, खेल ही खेल में भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। हाहाकार मच गया, कंस समझ गया कि अब मेरा काल सुनिश्चित हो गया, मेरा मरना निश्चित हो गया। अगले दिन था, बड़ी सुरक्षा इसने लगाई, बड़े बड़े मल्ल बड़े बड़े पहलवानों को खड़ा कर दिया, और रंगमंच के बाहर के दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा कर दिया। भगवान आए, सबसे पहले कुबलिया पीड़ का उद्धार कर दिया, और जब भीतर आए तो बड़ा विचित्र भगवान का दर्शन हुआ। सल कौशल कोट मुष्टिक चाणूर सबने भगवान से युद्ध किया, और भगवान ने सबको परास्त किया, और अंत में कंस तलवार लेके भगवान को मारने लगा, तलवार को छीन लिया भगवान ने, केस पकड़ लिया कंस को, और केस पकड़ करके धरती पर ऐसा पटका, एक ही पटकनी में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, कंस का उद्धार हो गया। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नंद बाबा को समझा बुझा करके भगवान ने घर भेजा, उग्रसेन को राजा बनाया, वसुदेव देवकी को बंदी से मुक्त किया, और स्वयं भगवान सांदीपनी मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए, और वहां भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्याओं को ग्रहण किया। गुरु जी से कहा, गुरुदेव अब विद्या तो पूरी हो गई, गुरु दक्षिणा दी। गुरु जी बोले आपके जैसा शिष्य भगवान किसी को मिल जाए और फिर उसे संसार की कोई वस्तु प्राप्त करने की आशा रहे तो उससे जैसा दुर्भाग्यशाली संसार में कौन हो। हम तो गुरु दक्षिणा की नहीं कह सकते, हाँ तुम्हारी गुरु माता को कुछ चाहिए होगा तो उनसे पूछ लो। गुरु माता के पास गए, गुरु माता से कहा, गुरु माता कुछ आवश्यकता हो बताओ। बोले बेटा एक समय था हम मेला देखने के लिए गए थे समुद्र के किनारे पर, और वहां पर मेरा जवान बेटा था,
और वो जवान बेटा समुद्र में चला गया, वहीं जाकर डूब गया, समाप्त हो गया। वैसे तो मैं उसे भूल चुकी थी, पर तुम्हारी याद आ, तुमको देखकर उसकी बार बार याद आ रही। तुम कोई सामान्य पुरुष तो नहीं हो, अलौकिक पुरुष हो, साक्षात ईश्वर हो, ऐसा मुझे लगता है। अगर हो सके तो मेरे उस पुत्र को जीवित कर दो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या भगवान की ऐश्वर्य, इसी को ईश्वरता कहते हैं। भगवान उस पुत्र को ढूंढने के लिए समुद्र में गए। समुद्र बेचारा हाथ जोड़ के आया, भगवान क्या चाहिए? बोले, मेरे गुरुजी का पुत्र तुम्हारे जल में डूब गया है, बताओ तुम्हारे पास कहां है, लाओ वापस। बोले, महाराज हमारे पास तो नहीं है, पर शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे जल में रहता है, हो सकता है उसी ने उसको खाया हो। भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया, उस शंखासुर को मार दिया, पर पुत्र का शरीर वहां भी नहीं मिला। तो भगवान संयमनी यमराज की पुरी में पहुंचे। यमराज बेचारा घबरा गया भगवान को देखकर, हाथ जोड़ के कहा, कहो भगवान सेवा बताइए। बोले, मेरे गुरुजी के पुत्र की आत्मा जहां कहीं हो उसे वापस ला करके दो। बोले, हमको पता था आप इनको लेने के लिए जरूर आओगे, इसलिए हमने वो जीव अभी तक संभाल के रखा है, उसे उसके कर्मों का फल नहीं दिया है। और वो जीवात्मा भगवान के सामने खड़ी की, भगवान ने अपनी माया शक्ति से पुनः उसमें शरीर का निर्माण किया और जैसे गुरुजी का पुत्र पहले था वैसे ही खड़ा कर दिया। लोग कहते हैं भारतीय सनातन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मर के जीवित हुआ हो। भैया ये उदाहरण देख लो, एक व्यक्ति कह रहा था ईसा मसीह जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर कुछ दिन बाद जीवित हो गए। तो वो तो कुछ दिन गए जीवित हुए, भगवान श्री कृष्ण के गुरु पुत्र तो कई दिन बाद जीवित किए भगवान श्री कृष्ण। ऐसे हमारे साथ कोई कहता है किसी ने जो मरा उसने किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, नर्क नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? व्यास वाल्मीकि सब ने देखा, जिन्होंने इतिहास लिखा है उन्होंने सब कुछ देखा है, तब लिखा है। प्यार से ऐसे हवा में नहीं लिखा, अंदाज में नहीं लिखा, कल्पना में नहीं लिखा। भगवान संयमनी पूरी होकर आए हैं, अर्जुन को लेकर के गए हैं यमराज के लोग, और अर्जुन स्वर्ग में कई दिन रह करके आया है। कौन कहता स्वर्ग नरक नहीं देखे? सबने देखा, हमारे पूर्वजों ने सब देखा है, जो देखा है वही लिखा है ग्रंथों में। कोई हवा की बात है, कोई कल्पना की बात नहीं लिखी। अब भगवान ने दक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र प्रदान कर दिया, स्वयं भगवान मथुरा में आ गए, मथुरा में रहने लगे। सब भगवान का बड़ा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, पर कोई यशोदा के जैसा, कोई नंद बाबा के जैसा, कोई बाल बालों के जैसा प्रेम भगवान से नहीं करता। रह रहकर ब्रजमंडल की याद भगवान को आती है। एक दिन उद्धव जी ने देखा भगवान रो रहे, भगवान को रोते हुए देखा तो उद्धव जी ने कहा, भगवान संसार का काम है रोना, आप क्यों रो रहे? बोले, ये जो ब्रजवासी हैं ये मुझे निरंतर याद करते हैं, और मेरा स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मुझे याद करता है उसका भजन मैं वैसा ही करता हूं। अगर कोई भगवान के लिए रोता है तो भगवान भी उसके लिए रोते हैं। बोले, ये ब्रजवासी निरंतर मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए मैं भी निरंतर उन्हें याद कर रहा हूं। उद्धव जी के हाथों को पकड़ा भगवान ने, गच्छो भवम ब्रजम सौम्यम पित्रोर्णो प्रीतिमावह। हे उद्धव, तुम जाओ और उन ब्रजांगनाओं को, उन ब्रजवासियों को वेदांत का उपदेश करो, ये स्वरूप मेरा समझाओ कि मैं कण कण में रहता हूं, सब में रहता हूं, मैं सबके हृदय में रहता हूं। उद्धव जी महाराज नए नए पढ़ के आए थे, बृहस्पति जी से वेदांत का विषय पढ़ के आए थे। अहम ब्रह्मास्मि सर्वे खलु विदं ब्रह्मा आत्मा वेदः सर्वम, ये सब पढ़ के आए।
और जो नया नया होता है उसको बड़ा उत्साह होता है बोलने का कि ये बोला जाए वो बोला जाए, कहां मौका मिले कौन मेरी बात सुने। उद्धव जी को लगा कि कोई पात्र मेरी बात सुनने वाला ही नहीं है धरती पर, चलो ये ब्रजवासी भगवान को समर्पित हैं, एकाकी भाव इनका भगवान में है, ये मेरी बात जरूर सुने। मेरा प्रवचन सुनाने का सपना जो है वो साकार हो जाएगा, मैं जरूर जाऊंगा भगवान। और ये सोच करके उद्धव जी जब जाने लगे तो भगवान ने कहा देखो ऐसे मत जाना, जिसका मुझसे संबंध नहीं होता है उसको ये ब्रजवासी स्वीकार भी नहीं करते। गोस्वामी जी जैसे लिखते हैं कि जाके प्रिय नराम वैदेही तजियता है कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही, ये भाव यदि किसी में है तो इन ब्रजवासियों में, तो किसी को मेरे संबंध के सिवा किसी को स्वीकार करते भी नहीं, तब कैसे जाऊं। बोले पहले तो उसी रथ में बैठो जिसमें मैं आया था, मेरे ही वस्त्र पहन कर जाओ। उद्धव जी भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के ही प्रसादी वस्त्र धारण करते हैं, भगवान का ही प्रसादी चंदन धारण करते हैं, भगवान का ही प्रसादी भोजन धारण करते हैं। भगवान ने अपना जैसा वेश बनाया और उद्धव जी को भेज दिया ब्रजमंडल। जब ब्रज में गए तो ब्रज में उद्धव जी को ऐसा लगा कि यहां सब ठीक ठाक है, प्यार से बोलो जैसे जैसे, बड़ा विचित्र वहां का माहौल था। चारों तरफ बांसुरी की धुनी सुनाई दे रही थी, गायियां लंघा रही थी, बछड़े खूब दौड़ रहे थे, प्रसन्न थे। क्यों थे प्रसन्न? क्योंकि ये इसी आशा में जी रहे थे कि आज नहीं तो कल भगवान जरूर आए, और इसी आशा में जी रहे थे। गायों ने विचार किया कि यदि हमने दूध देना छोड़ दिया और कहीं भगवान का मन हुआ मथुरा से लौट आए और हमारा दूध सूख गया तो भगवान किसका दूध पिएंगे, इसलिए गायियां दूध देना नहीं छोड़ रही। गोपियां रोज माखन निकालती है, इसलिए भागवत जी में लिखा है जब भीतर गए हैं उद्धव जी महाराज, ब्रज में प्रवेश किए हैं तो वहां दधी मथने की सुंदर सुंदर आवाज आ रही है। दधी मंथन का जो घर 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 का स्वर होता है वो सुनाई पड़ा है, बड़ा सुंदर मधुर संगीत बज रहा है, क्योंकि ये गोपियां निरंतर इस भाव से माखन निकालती हैं कि ठाकुर जी आएंगे और पाएंगे। लता पताएं इसलिए सदा सर्वदा खिली रहती हैं कि भगवान जब आएंगे तो हमको मुरझाया हुआ देखेंगे तो भगवान को कष्ट होगा, ये है तब सुखे सुखी। गोपियां सदा सर्वदा श्रृंगार में बनी रहती हैं कि कभी ठाकुर जी आएंगे, हमारा दर्शन करेंगे, हमको मलिन देखेंगे, दुखी देखेंगे तो बड़े दुखहीन को भगवान को होगा। ऐसा दिव्य भाव है ब्रजवासियों। लेकिन उद्धव जी ने जब ब्रज में प्रवेश किया, मैया यशोदा नंद बाबा सबने उद्धव जी महाराज को घेर दिया और घेर करके सारी रात केवल और केवल कृष्ण की चर्चा। उद्धव जी अपने सुनाते वो किसी की नहीं सुनते, वो अपनी सुनाते। अंत में उद्धव जी बोले देखो ब्रजवासी और नंद बाबा मैया, वो श्री कृष्ण है ना, वो किसी का माता किसी का पिता किसी का कोई संबंध उसका किसी से नहीं। अरे वो तो सबका है, वो तो सबके हृदय में है, तुम उसके लिए क्यों रोते हो? वे साक्षात भगवान है, क्यों रो रहे हो? नंद बाबा बोले उद्धव एक बात बताओ, किसी का मूर्ख बेटा भी उससे दूर चला जाए, किसी का बेटा मूर्ख हो ना और वो भी उससे दूर चला जाए तो उसकी मैया उसके लिए रोती है, और तुम खुद कह रहे हो कि मेरा बेटा भगवान है, तो जब भगवान ही बेटा है तो मैं भगवान जैसे बेटे के लिए क्यों न रोऊं? ऐसी चर्चा ब्रजवासियों ने की, सारी रात उद्धव जी सुनते रहे, सारी रात निकल गई, चर्चा ही समाप्त नहीं।
एक सैनिक से पूछा, बोले भैया ये इनका आज का ही काम है कि रोज का काम है कि हमको देखकर की कथा कहानी इनकी प्रारंभ हुई? उसने कहा, भगवान ये इनकी रोज की कहानी है। ये यशोदा जी, नंद बाबा, ये सब एकत्र हो जाते हैं, सारी रात बस केवल कृष्ण चर्चा, कृष्ण चर्चा, कृष्ण चर्चा। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, हम गोपियों से मिलना चाहते हैं। गोपियों ने जब उद्धव को देखा, एक बार ऐसा लगा कि श्री कृष्ण आ गए। जैसे श्री कृष्ण है वैसे ही उद्धव जी उन्हीं के जैसे दिखते हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है, भगवान की नजरें चंचल हैं और संत धैर्यवान होते हैं, उद्धव जी महाराज की नजरें झुकी हुई हैं। उद्धव जी केवल धरती की ओर देखते हैं, किसी की ओर देखते हैं, समझ गए कि ये कोई और है, ये हमारी ओर नहीं देख रहा। पूछा, भगवान आप? बोले, हम उद्धव हैं, आपसे मिलना चाहते थे, श्री कृष्ण ने अपना संदेश लेकर तुम्हारे पास भेजा। गोपियां समझ गई, वार श्री कृष्ण, इतने वर्षों बाद भी तुमने अपना सेवक भेजा। बोले, उनकी चर्चा इतनी जल्दी नहीं हो सकती, एकांत में चलो। एकांत में उद्धव जी को बिठाया और उद्धव जी चर्चा करते, उससे पहले गोपियों ने चर्चा कर दी, और अब उद्धव जी की कौन सुने। एक कहती है, हमने श्याम सुंदर को सपने में देखा। एक कहती है, हाँ मैंने भी देखा। क्या देखा? एक कहती है, मटकी उचा रहा था, कोई कहती है माखन चुरा रहा था, कोई कहती है रास रचा रहा था। किसी ने किशोरी जी से पूछा, तुमने क्यों नहीं देखा? किशोरी जी कहती है, स्वप्ने पश्यन्ति आकांता धन्यास्ते सखियोषिता अस्माकं तु गता कांता गता निद्रा च वैरे। तुम धन्य हो सखी, तुमको कम से कम श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दर्शन स्वप्न में हो जाते हैं, पर मैं तो ऐसी अभागन हूं, जब से श्याम सुंदर गए हैं तब से इन नेत्रों में नींद ही नहीं आई है। जब निद्रा ही नहीं आई है तो स्वप्न कहां से आएगा, और स्वप्न ही नहीं आएगा तो तुमको बताऊंगी कैसे। क्या भाव है, सबसे सब सखियों से उद्धव जी महाराज बात कर रहे हैं। पर मानवती श्री किशोरी जो सोचने लगी, ये दूध तो सबके लिए है, पर मैं तो रसेश्वरी हूं, राशेश्वरी हूं, हमारे लिए तो अलग से कोई दूध होना चाहिए, मेरे लिए तो अलग से दूध आना चाहिए। भगवान तो सर्वज्ञ हैं और वृंदावन में सब जगह विद्यमान है। ठाकुर जी ने एक दूत बनकर स्वयं आ गए, अवतार हो गया भगवान का। काचिन मधुकरम दृष्टा या ध्यायन्ति कृष्ण संगम। उसी समय भगवान का एक और अवतार हुआ, मधुकर अवतार, भ्रमर अवतार, भौरा बनकर के वो मधुकर बनकर के ठाकुर जी राधा रानी के अगल बगल घूमने लगे, चरणों को चूमने लगे। अरे भैया, त्रिलोक पावनी भगवती श्री राधा रानी के चरणों का स्पर्श भगवान श्री कृष्ण के सिवा कौन कर सकता है? साक्षात श्री कृष्ण भौरे बनकर आए। अब राधा रानी को लगा कि यही हमारे लिए दूत आ गए, बड़े सुंदर सुंदर भाव दे रहे हैं। मधुप के तब बंधो मास्र सांभ्रिं सपत्न कुच बिलोलित माला कुमकुमस्रस्रो हिर्न बहत मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादा यद सदस विडम्ब्या यस्य दूतस्त्वमेति। ए मधु, तू उस कपटी का मित्र है ना, वो भी काला है, तुम भी काले हो, वो भी कपटी है, तुम भी कपटी,
जैसे तुम भौरों के फूलों के साथ में कपट करते हो, वो भी हमारे साथ कपट करके चला गया। और तू उन्हीं से मिलकर आ रहा है, क्योंकि उनके श्रीअंग में लगा हुआ जो अंगराग है वही तेरे मूछों पर लगा हुआ, और वो आज का कपटी नहीं है। क्या कहना ब्रज गोपिकाओं का, कितना ज्ञान है भगवान के। प्रत्येक अवतार की चर्चा ये गोपियां को पता है। बोले उसका काम ही कपट करना है, भगवान को कहे क्योंकि मृग यो रेब कपिंद्रा विध्य दे लुप्त धर्म स्त्री अकृत विरूपां स्त्री जिता कामयाना सपदिग्रित बलिमपि बलिमत्ता भीष्टयत्कांक्ष वदया श्रियमकृत विरूपां तदलमसित सख्ये दुष्टजस्तत्कथार्थ। इन्होंने कपट किया, मृग युरूप कपिंद्रः, कपिंद्र मने बाली को मृग की तरह छुप कर मारा। अरे मारना ही था तो सामने आते, युद्ध करते, मारते। अब मार दिया, जब बेचारा बाली के सामने आए, बाली ने बोला क्यों आपने ऐसा किया, तो ऐसा बहला फुसला दिया उसको भी, वो बेचारा भी भक्त बन गया। इतना भगवान की वाणी का क्या प्रभाव है, जिन भगवान ने बाण मारा बाली को, वही बाली जो है भगवान का भक्त हो गया, परम भक्त हो गया। और उससे कह दिया अनुज वधु भगनी सुतनारी जय सक कन्या ये समचारी ये नहीं बधे कोई पातक नाही तुमको मारने का कोई पाप नहीं। पर भगवान के सब मर्यादा की रक्षा के लिए कर रहे हैं, ये गोपियों का भाव है। हमें सिर्फ इतना विचार करना चाहिए, इसमें किसी भी भाव में भगवान का दोष नहीं। स्त्रिय कृत विरूपां स्त्री जिता कामयाना, बेचारी सुफर्ण का आई थी और भगवान से कहा कि विवाह करो, विवाह नहीं करना था तो हाथ जोड़ देते कि हम नहीं करते, विवाह नहीं किया और नाक कान उसके और काट दिया। बेचारे क्या अमनिया कर दी, नाक कान ही काट कर रख दिया, विरूप बना दिया उसको। और बलि के पास जब गए थे तो इतने छोटे थे बामन भगवान, और हमको इतनी विनम्रता से बोले कि हमको तीन पग धरती चाहिए, और जब नापने की बारी आई तो इतने बड़े हो गए कि दो ही पग में सब कुछ नाप लिया। ये कपट नहीं तो और क्या। अरे भाई हम आपके दुकान में आए, कहें हमको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, आप कहें ठीक है नापो, बोले नहीं इस मीटर से नहीं, हमारा मीटर यहां से लुधियाना तक इतना बड़ा होगा, तो ये कपट नहीं तो और क्या। जब आए थे तो इतने छोटे, और जब नापने की बारी आई तो इतने बड़े। तदल मसित संखे दुष्ट जस्तत कथार्थ, फिर भी इसके भाव ऐसे हैं, इसकी कथा ऐसी है, इस कथा को कोई छोड़ नहीं सकता। उद्धव जी ने कहा देवियों थोड़ा हमारी भी सुन लो। बोले सुनाओ। बोले भगवान ने संदेश भेजा है। क्या भेजा है, तुम क्यों रो रही हो। बोले देखो उद्धव जी एक बात बताओ, किसी भी उपासना के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है। बोले सब उपासना के लिए सबसे पहले मन की आवश्यकता है। बोले किसी के पास मन ही ना हो तब क्या करें, क्योंकि ओधो मन ना भये 10-20 एक हो तो गयो श्याम संग अब को आराधे इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन ज्यो देही बिनसी। ये इंद्रियां हमारी ऐसी हो गई जैसे सिर के बिना ये शरीर होता है, और हे उद्धव हमारे पास एक ही मन था, वो मथुरा चला गए ठाकुर जी के साथ में, अब 10-20 होते तो तुम्हारी भी आराधना उपासना की पद्धति वो भी हम अपना लेते। ऐसा उपदेश किया गोपियों ने कि उद्धव जी तो उपदेश सुनाने आए थे
उद्धव जी तो इनको चेला बनाने आए थे, खुद ही चेला बन गए। इसलिए ब्रज के रसिक कहते हैं, ओधो सोधो है चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बढ़ाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। अंत में उद्धव जी की समझ में आ गया, ब्रज का रस, ब्रज की वृंदावन की जो उपासना है, रसोपासना, वो उद्धव जी की समझ में आ गई, और इन गोपियों की रज को उद्धव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब हमारी एक ही कामना है, आसा महो चरण रेणु जो सम्महचा वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीना या दुष्टजं स्वजन मार्य पथं चहित्वा धीजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्भिमृक्या। भगवान अब तो हमारी एकमात्र कामना है कि हम इस वृंदावन के, इस ब्रज के लता पता औषधि कुछ भी बन जाए, ताकि ये गोपियां जब किसी मार्ग में गुजरें और मार्ग से उनके चरण कमलों की धूल हमारे मस्तक पर पड़ जाए और मैं धन्य हो जाऊं। प्रणाम किया गोपियों को और 6 महीने तक उपवास किन्मासः, कम से कम 6 महीना तक उद्धव जी वहीं रहे, और वहां से रास रस ब्रज रज को अपने शरीर पर धारण करके भगवान के पास गए। भगवान से कहा, हे निष्ठुर, हे कपटी, हे निर्दयी। भगवान बोले, तुम्हारी भाषा बदल गई, क्या बात है? तुम पहले कहते थे अकिंचन निष्किंचन निष्प्रिय है त्रिलोक स्वामी, और अभी तुम कह रहे हो कि निर्दयी निष्ठुर कपटी। अरे बोले, अब हमने गुरुजी बदल दिए। पहले हमारे गुरुजी बृहस्पति जी थे, हमने किशोरी जी को गुरु बना लिया। वृंदावन की रज उनकी मस्तक, उनके चरणों की रज को मस्तक पर धारण कर दिया है। अरे उनका विरह हमसे देखा नहीं जाता, जाओ उन ब्रजवासियों को दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा, यही तो बात है, हम तो वहीं थे, तुम्हारी सब लीला देख रहे थे, हम वहां छोड़ के जाते ही नहीं। और उसी समय अपने पास ही भगवान ने जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाया, उसमें सारा ब्रह्मांड दिखाया, ऐसे उद्धव जी को विराट रूप दिखाया, उसमें सारा ब्रजमंडल दिखाया हुआ। अरे एक जगह दो जगह नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल के एक एक कण में मैं विद्यमान हूं, मैं एक कण को छोड़ के नहीं जाता। केवल तुझमें, हे उद्धव, आप में केवल वृंदावन की रसोपासना प्रकट हो जाए, इसी के लिए मैंने ये सब लीला की। उद्धव जी प्रसन्न हो गए। मथुरा में भगवान रहे, 17 बार जरासंध का आक्रमण हुआ, 18वीं बार भगवान ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया, और उन ब्राह्मणों के अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए भगवान रण छोड़ करके निकल गए। बीच में भगवान ने कालयवन के द्वारा मुचकंद के द्वारा कालयवन का उद्धार किया। मुचकंद ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की, बहुत समय तक के सोया रहा, तो भगवान ने कहा कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो? उसने कहा, महाराज, संतों की कृपा से सोते सोते मैं आपका स्मरण तो करता रहा, पर विशुद्ध जो आपकी भक्ति है, भजन का आनंद है, वो मैं नहीं ले पाया। समाधि का आनंद तो लिया सो करके, पर आपकी भक्ति का आनंद मैं नहीं ले पाया, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आपकी भक्ति कर पाऊं। भगवान ने वरदान दिया, अगले जन्म तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे और तुम निरंतर भगवान की भक्ति करोगे। वे ही मुचकंद जो है गुजरात के संत श्री नरसिंह मेहता के रूप में अवतरित हुए हैं, और उन्होंने भगवान की भक्ति का क्या प्रचार किया। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करे। भगवान द्वारिका में आए, बलराम जी का रेवती के साथ में विवाह हुआ, भगवान का भी विवाह होना चाहिए, तो कुंडपुर नरेश का स्मरण किया श्री सुखदेव जी महाराज। राजा से धीष्म को ना
विदर्भाधिपति तस्य पंचाभवं पुत्र कन्नेकाच बरालन। उनके पांच बेटे हैं और एक भी कन्या नहीं थी। बड़े चिंतित थे कि कन्या का होना भी बहुत जरूरी है, भैया जैसे पुत्र का होना जरूरी है वैसे कन्या का होना भी जरूरी है। शास्त्र में लिखा है 10 कन्या 10 पुत्र समा कन्या, एक कन्या 10 बेटों के बराबर होती। भीष्मक जी चिंतित थे, सरोवर के तट पर घूम रहे थे प्रातः, और उनको एक कमल पुष्प के ऊपर सुंदर कन्या का दर्शन हो। वो कन्या को लेकर के घर में आए, लालन पालन किया। बचपन का समय था, यद्यपि भगवान लक्ष्मी नारायण नित्य दंपति हैं, रुक्मणी जी भगवान के नित्य अर्धांगनी हैं, पर इस अवतार में थोड़ा लीला करनी है विवाह की, इसलिए ऐसी लीला भगवान ने। नारद जी आए बचपन में और नारद जी ने रुक्मणी जी को भगवान का उपदेश किया, भगवान की कथा सुनाई, और कथा सुनकर के रुक्मणी जी ने ये विचार किया कि हम भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करें। और ये विचार खाली रुक्मणी जी का नहीं है, भीष्मक जी भी यही चाहते हैं और रुक्मणी जी की माता जी भी यही चाहती हैं, बाकी सब भाई ऐसा ही चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह हो जाए। पर रुक्मणी का एक भाई है, वो भगवान का विरोधी है, उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया, भगवान से द्वेष करता है, और तय ही नहीं किया, बारात लेकर के शिशुपाल आ गया। पुराने जमाने की बारात थी, महीने महीने भर चलती थी, जनवा से जिसको यहाँ की भाषा में डेरा कहते हैं वहां पर बारात रुकी थी, महीनों डेरे में रुकती थी बारात, अब तो एक आध मिनट भी नहीं रुकती। तो शिशुपाल की बारात जो है वो डेरे में रुकी है, जनवासे में रुकी, और रुक्मणी मैया चिंतित है, भगवान को पुकार रही है। इनके भाभी ने देखा ये क्यों चिंतित है, पूछा, बोले हम तो भगवान को चाहते हैं और बारात शिशुपाल की आ गई। बोले देखो उनको खबर नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ उपाय करते, आपको किसी तरह से भगवान के पास संदेश भेजना चाहिए। पत्र लिखा रुक्मणी जी ने, पर यहां हमें बहुत सावधान होकर श्रवण करना चाहिए, वो पत्र कोई सामान्य संसार के लोगों के या स्त्री या नारी या कन्या के जैसा पत्र नहीं था। अगर ऐसा पत्र होता तो किसी सामान्य को दिया होता, वो पत्र ब्राह्मण के हाथ में दिया गया। ब्राह्मण के हाथ में पत्र दिया गया इसका मतलब कितनी मर्यादा है उस पत्र में। और जब ब्राह्मण देवता वो पत्र लेकर भगवान के पास आए तो भगवान ने स्वयं नहीं पढ़ा उसको, कहीं कोई अमर्यादित बात होती तो स्वयं भगवान पढ़ते। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है स्वयं भगवान नहीं पढ़ रहे हैं पत्र, और भगवान कहा ब्राह्मण देवता को आप पढ़ के सुनाओ। ये कोई अमर्यादित कोई काम यहां है ही नहीं, भगवान से कोई अमर्यादित बात हो ही नहीं सकती, इससे हमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए खराब से। और ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ा, रुक्मणी जी के भावों को व्यक्त किया, श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर श्रणवतांते निर्विश्य कर्ण विभरे हर तोंगतापम रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभं तैयाच्युता विसति चित्तमपत्रपंते। भगवन मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, आपके गुणों को सुनकर आपको प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। क्यों इच्छा है? क्योंकि कातम मुकुंद महती कुलशील रूप, आपके जैसा कुलवान, आपके जैसा सीलवान, आपके जैसा गुणवान, आपके जैसा बलवान, आपके जैसा धनवान इस संसार, ऐश्वर्य संपन्न इस संसार में कोई नहीं। और जैसे संसार की प्रत्येक नारी
ऐसा वर प्राप्त करने की कामना करती है, वही कामना मैंने भी की है। आपकी इच्छा हो इस दासी को स्वीकार करो, आपकी इच्छा हो ना हो तो इस दासी को स्वीकार मत करो। पर हां इतना जरूर है, आप सिंह हो और जो हमारे यहां बरात लेकर आया है वो सियार है। सिंह के भाग को सियार न ले जाने पाए, इसलिए आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए, अपनी वीरता का शुल्क दीजिए और हमें यहां से छुड़ा करके ले जाइए। आपकी इच्छा न हो तो फिर हम भी ये शरीर नहीं रखेंगे, किसी और के पास तो नहीं जाएंगे। भगवान ने रथ सजाया, ब्राह्मण देवता को बिठाया, कुंडनपुर नरेश ने स्वागत किया और भगवती रुक्मणी माता जगत जननी भगवती पार्वती उमा सती के मंदिर में गई, अर्चना की, वंदना की, प्रणाम किया, वरदान मांगा। मैया ने भी वरदान दे दिया, भगवान वहीं आ गए। शिशुपाल जरासंध रुक्मी को पता चल गया श्री कृष्ण आ गए, उन्होंने रुक्मणी जी की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया। बड़े बड़े सैनिक सेवक सेनापति सब लगा दिए सेवा में, सुरक्षा में। अब भगवान रथ लेकर के आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया। ये बेचारे तो भगवान की सुंदरता और रुक्मणी जी की सुंदरता को देखते रहे, लेकिन भगवान ने विचार किया चोरी छुपे जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि हरण करके ले आएंगे। क्षत्रिय धर्म का पालन किया भगवान ने, शंख बजाया, ललकारा सबको, ऐसे नहीं ले जा रहे हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करके ले जा रहे हैं। और सारे सैनिक भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हुए, भगवान ने एक अकेले ही सबको परास्त किया। अंत में बड़ी सेना लेकर के रुक्मी आया, उसे भी भगवान ने परास्त किया और पकड़ करके रथ के पहिए से बांध दिया। बलराम जी ने डांटा भगवान को, कह रहे ये हमारा रिश्तेदार बन गया है, तुमने बताओ इसकी ऐसी दशा कर दी, से छुड़ा दो। रुक्मी बहुत शर्मिंदा हुआ, फिर दोबारा अपने नगर में नहीं गया, इसने भोजकट नाम का अलग से दूसरा नगर बसाया। और भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका आए और कुंडनपुर नरेश भीष्मक को बुलाया, अन्य भाइयों को बुलाया और विधिवत वैदिक विधान से भगवान ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया। कोई अवैदिक कृत्य का भगवान ने परिपालन नहीं किया। आओ अब हम भी रुक्मणी जी के विवाह में प्रवेश करें और बड़े भाव से बड़े प्रेम से आप दर्शन भी करेंगे, आनंद भी लेंगे। भोरिय रुक्मणी रमण भगवान की जय। हो तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे। हो लगे दूल्हा सा तो दिलदार श्याम रे, कुंडल चित्र बहुत परछाया, कुंडल चित्र बहुत परछाया, कुंडल चित्र बहुत परछाया।
Yeah.
सर्व का स्तुत प्रभु महिमानः जयन्त प्रभुर्वेशाद्र संति देवाः राजाधिराजाय प्रसेयसाय नमो वयं वेशरणाय गुरवे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं मानेशरूपेण शरणो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ॐ विशच चरुद विशदो मुखो विशदो अन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि अन्नो हनुमन्ते प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे मकरन्दाय धीमहि अन्नो दन्ते प्रचोदयात् श्रीवन्तिका वकुलजं पकपाटलाभे पुण्यागजाति करवीररसा बिल्लो प्रवाल तुलसी दलमंजने तं पूजयामि जगदीशर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णामि परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मूलकुलादि पीर महाराज की जय भोले बाबा सर्वदास जी महाराज की जय भोले स्वामी जी महाराज की जय भोले सभी संत जनों की जय भोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भोले वेदाभ्यास स्वरूप भगवान की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हरे नाम संकीर्तन का प्रचार हो गौ माता की सेवा हो भारत माता की जय हो धर्मी जयकाराए हर हर महादेव शंभो जो बोले सो निर्भय बोल श्री सत्य सनातन धर्म की जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्टशान्तिर्भवतु भूनित्यपुरुष भगवान् की जय।